अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाउल्ला है और मैं मास्टर का स्टूडेंट हूँ। मेरा एज तकरीबन 30-31 है और मुझे प्रॉब्लम है ये रिंकल्स का और डीप लाइंस का, लाफिंग लाइंस है, लाइंस अराउंड आइज़ है और ये चीज़ें। तो मैं इस पर ट्रीटमेंट करना चाहता था, इसलिए मैंने डॉक्टर रियाज साहब के बारे में सुना था और उसके यूट्यूब चैनल पर भी देखा था। तो इस प्रोसेस में काफ़ी एक्सपर्ट है, तो इसलिए मैं आज आया हूँ कि इससे बोटॉक्स और जो भी रिक्वायर्ड प्रोसेस वो कर। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि रेस्टिंग लाइन में भी इसके जो है ना फोर हेड लाइन्स इधर पे आपको नजर आ रहे हैं। ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है। अब जरा इस तरह करें ऊपर, ये आईब्रोज यू कैन सी दैट ही हैज गॉट जो है इसके फ्रंटेलियस मसल्स बहुत स्ट्रांग है। आप करें दोबारा इस तरह ऊपर करें, सो यू कैन सी कि ये रिंकल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उनके फ्रंटेलियस मसल बहुत स्ट्रांग है। तो इस वजह से नीडिंग बोटॉक्स हेयर और इसके लिए हम तकरीबन 20-25 मिनट्स बोटॉक्स लगाएंगे इसके फ्रंटेलिस को पैरालाइज करने के लिए। अच्छा, आप इस साइड पे अगर आ जाएं तो इसकी रेस्टिंग लाइन में भी ये आप लाइंस देख सकते हैं, ये क्रॉस फीट है बाकायदा। पर दूसरे साइड पे भी जो है ना इसकी लाइंस है, रिंकल्स हैं, ये क्रॉस फीट। तो इसमें भी हम ईच साइड पर जो है ना तकरीबन 12-15 मिनट्स बोटॉक्स जो है ना वो इधर पर लगाएंगे। अच्छा, जो तीसरी मेन कंसर्न है इस पेशेंट की वो ये है कि इसकी प्रोमिनेंट ये नेजिलेबल फोल्ड है, ये आप देख सकते हैं ये दोनों साइड पे। तो इसके लिए हमने फिलर मंगाया है जो बेसिकली नेजिलेबल फोल्ड्स के लिए हम यूज़ करते हैं और इसके लिए हम उसको फिलर इंजेक्ट करके देंगे। ये सारा प्रोसीजर हम अभी आपको दिखाएंगे भी। अच्छा, तो अभी ये हमारे पास बोटॉक्स है, विस्टॉक्स के नाम, ये मेरिन कोरियन है। इसमें 100 यूनिट्स वाला बोटॉक्स है। इसमें जो अपना वो होता है मटेरियल होता है वो पाउडर के फॉर्म में होता है। इसमें हमने तकरीबन 2.5 ml नॉर्मल स्लाइन जो 0.9% होता है वो हमने डाला है और इसको जो है ना हमने अभी इन 3 सिरिंजेस में लिया है तकरीबन 0.5 ml। तो क्योंकि 0.1 ml जो है ना वो तकरीबन 4 ml का होता है, तो उसके हिसाब से क्योंकि इस पेशेंट के हमने 3 जगहों को करनी है तो वो उस हिसाब से हमने इसकी डोज कैलकुलेशन करके ये लिए। क्योंकि 0.1 ml 4 ml होता है तो 0.5 ml तकरीबन वो बन जाते हैं 20 यूनिट्स। तो ये 3 सिरिंजेस जो है ना वो 16 यूनिट्स है और इनकी कैलकुलेशन जो हमने की है वो भी तकरीबन 60 यूनिट्स आ रहे हैं फोरहेड के लिए, फोरहेड लाइंस के लिए, रिंकल्स के लिए जो फोरहेड रिंकल्स के लिए हैं, ग्लैबुलर रिंकल्स के लिए है और साथ में जो क्रॉस फीट्स के लिए हैं उन 3-4 जगहों के लिए हमने 60 यूनिट्स बनाए हैं। इसके फोरहेड्स चूँकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल है तो उसमें शायद हम ज़्यादा लगा लें, तो वो डिपेंड करेंगे अभी टाइम प्रोसीजर के साथ साथ। इस पेशेंट के जो है ना ये फोरहेड लाइंस की अभी हम आपको मार्किंग दिखाएंगे। आप इस तरह करें जरूर पर ये ऊपर, हाँ ये देखें, ये देखिए आपको फोरहेड लाइंस नज़र आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसकी जो ये फ्रंटेलस मसल्स हैं इसको ब्लॉक करेंगे ताकि ये रिंकल्स ना बने। फ्रंटेलस मसल इस साइड से आ रहे हैं तो हम ऑब्वियसली जब इधर से आते हैं तो क्रीजेस जो है ना उसके वर्टिकली बनते हैं, मतलब है कि राइट एंगल पर बनते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि स्ट्रेट का लाइट प्लीज़ इसके हम एक इधर लगाएंगे यूनिट, एक इधर लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे। ये एक जगह हो गई है और ये एक जगह हो गई है और साथ में ये जगह एक ये वाली हो गई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये कि ये वाली जगह जो है ना, ये जो अभी मार्क कर रहा हूँ ये दिस इज़ अ डेंजरस एरिया, इसको हमने नहीं करना कभी भी, इसमें बोटॉक्स नहीं लगाना इस जगह को, क्योंकि ये ड्रूपिंग हो जाती है और ड्रूपिंग से जो है ना ये इसकी ग्रोटोसिस हो जाती है।